भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं अलीराजपुर के पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान शनिवार को पंचेश्वर महादेव मंदिर परिसर में स्थित पवन पुत्र व्यायाम शाला पहुंचकर भगवान बजरंगबली के दर्शन करने पहुंचे। उनके साथ भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष रिंकेश तंवर, महामंत्री गिरिराज मोदी, नगर मंडल कार्यालय मंत्री अभिषेक गहलोत आदि मौजूद थे। इस दौरान पूर्व विधायक चौहान ने कहा कि मंदिर परिसर में भागवत कथा, भंडारा, भजन संध्या सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रम हो, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। पूरा परिसर का हिंदू समाज का उपयोग करें, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए व्यायामशाला का होना भी आवश्यक है। हम सभी को आपसी सामंजस्य बनाकर कार्य करने की आवश्यकता है। चौहान ने यह भी कहा कि वे पवन पुत्र व्यायामशाला के निर्माण में पूरा सहयोग करेंगे। युवा पीढ़ी को स्वस्थ रखने के लिए व्यायामशाला एक उपयुक्त स्थान है और वर्तमान समय में पैसे वाले परिवार का युवा जो जिम जाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकता है, लेकिन वंचित परिवार के युवा के लिए यह संभव नहीं है। ऐसे में पवन पुत्र व्यायामशाला में एक आधुनिक जिम के साथ व्यायामशाला का निर्माण हो, यह समस्त हिंदू समाज के हित में है। साथ ही चौहान ने वर्तमान समय में पंचेश्वर परिसर में चल रहे आपसी मनमुटाव की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि हिंदू समाज समस्त गतिविधियों को अपनी तीखी नजर से संयम के साथ देख रहा है। जिस प्रकार से विश्राम घाट सेवा समिति के द्वारा एक छोटी सी शुरुआत कर मुक्तिधाम स्थल को अच्छा बनाया है, वह सभी के सामने है। सामाजिक कार्यों में किसी भी प्रकार की आपसी खींचतानी समाज के विघटन पैदा करती है और यह सभी को समझना चाहिए। कैनन न्यूज के लिए अलीराजपुर से अर्पित माली की रिपोर्ट।